कैसे दूंगा, लेकिन मैं प्रचार कर रहा था वीरवार, मेरे दिमाग में वही बातें आई जा रही थी, लेकिन मैं प्रचार थोड़ा सुस्त होकर कर रहा था। और उसी समय क्या हुआ, जब प्रचार कर रहा था तो मेरे पीछे दो स्वर्दूत आए, दो स्वर्दूत, और मैं उनको ऐसे देख रहा था, ऐसे लाइव में ऐसे मेरी आंखें ऐसे जा रही थी, ये किधर घूम रहे हैं, ये किधर घूम रहे हैं। और उसी समय मेरे अंदर एक हौसला आया, आपने वो वीडियो देखा होगा, आप उसको वीडियो को देखना, ध्यान से आपको दिखाएंगे किसी दिन। परमेश्वर है वो स्वर्दूत, कर मुझे अमेरिका से मैसेज आए, दुबई से मैसेज आए, अलग अलग जगह से मैसेज आए कि मेरे प्रेयर टावर पर करे कि आज हमने पापा के पीछे स्वर्दूत घूमते हुए देखे। बोले हालेलुया। इसका मतलब वो कैमरे में कैद हो गए। आपको समझना है कि उस समय मैं समझ गया कि परमेश्वर मेरे साथ है। और उसी समय जिसको मैंने पैसे देने थे, और उस व्यक्ति ने बोला, कह रहे कि मैं पैसे नहीं लूंगा। मैंने कहा क्यों? कह रहे 31 मार्च आ गया, मैं नहीं लूंगा, 31 मार्च के बाद लूंगा। मैंने कहा परमेश्वर तेरा थैंक्स। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर दुआओं को सुनता है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि बलवंत हाथ के नीचे नहीं आओगे तो आप प्रॉब्लम्स में रहोगे। आपको लोन वाले के पैसे देने हैं, कार की किस्त देनी है, आपको घर की किस्त देनी है, लेकिन आपकी टेंशनें बढ़ी हुई हैं, लेकिन वो टेंशन जाने नहीं वाली, एक टेंशन और आ जाएगी। लेकिन उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको घुटने टेकने और परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाना है। याद रखना, जो कर्जे वाला व्यक्ति होगा, जो कह रहे कि कर्जे वाला व्यक्ति मुझे पूरे वर्ल्ड से क्यों ना सुन रहा हो, ये मेरी जीवित गवाही है। मैं कह रहा हूं कि मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है ये। मेरे ऊपर 7.5 लाख रुपए का कर्जा था, अंबाले में एक आदमी का पैसा देना था, और उस व्यक्ति ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। बहुत देते हैं मुझे पता है, सारे बोले हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर तेरे को आशीष दे। लेकिन उन दिनों में सिर्फ एक विश्वासी था, और मैं 3 दिन अपना कमरा बंद करके परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे चला गया। मैंने कहा परमेश्वर कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, डैडी ने मुझे घर से निकाल दिया, रास्ता नहीं है परमेश्वर, लेकिन मेरा रास्ता तू ही है। आज वो दिखने ना पाए, उसको पता है उस व्यक्ति को मैं किस घर में रहता हूँ, और वो मेरे घर पर आकर दरवाजा खटखटाने वाला है। परमेश्वर मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पता नहीं क्या हुआ कि 3 दिन के अंदर उस व्यक्ति के साथ ऐसी दुर्घटना हुआ, उसके बच्चे के पैर दोनों ट्रैक्टर ट्राली के नीचे आ गए और कट गए। मैं कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति आज किसी भी हालत में हो, किसी भी प्रॉब्लम्स में हो, उस व्यक्ति को मैंने 10 बार ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। लेकिन अगर मिलता है तो मैं कहता हूं कि हाँ भाई, परमेश्वर तेरे को आशीष दे। लेकिन सुनना ध्यान से, मैं कह रहा हूं आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, मारने वाला बड़ा नहीं है, बचाने वाला बड़ा है यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है, आपकी कर्जे बड़े नहीं है, कर्जे उतारने वाला बड़ा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थितियां बड़ी नहीं है, परिस्थितियां चेंज करने वाला बड़ा है, उसका नाम यहोवा। जोरावर है, जोरावर है, जोर आएगा आज आपके हाथों में यीशु मसीह के नाम में। जब आप अपना जोर करें घुटनों पर दिखाएंगे, मैं कह रहा हूं आपके हाथों पर, आपके बैंक में आपको जोर दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम में। यहोवा जोरावर का ताकत आज आपके चेहरे पर नजर आएगी, आपके हाथों पर नजर आएगी, आपकी जुबान में नजर आएगी। चार जमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। लेकिन